दोस्तों आज इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा रैम आई सी कैसे लगती है और रैम आई सी रिबॉलिंग कैसे होती है। दोस्तों ये आई सी मैंने चेक किया था, इसकी एवरेस्ट ने और 1.8 ये शार्ट आ रहे थे, मैंने चेक किया था इसकी रैम आई सी शार्ट आ रही थी। तो रैम आई सी कर लेते हैं ओपन। ओपन करने के बाद इसमें आई सी अपन रिबॉलिंग करके वापसी लगाएंगे। ये मुकम्मल तरीका आप दोस्तों को इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो वीडियो को जाते जाते लाइक तो किया करो, लाइक नहीं करते हो दोस्तों, लाइक करने से हमारी हौसला अफजाई होती है, हम अच्छी अच्छी वीडियो बना के अपलोड करते हैं, तो आपका भी हक बनता है, तो लाइक किया करो। अगर कोई दोस्त चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब करके रखे ताकि ऐसी मजीद इन्फॉर्मेशन वीडियो भाइयों को फ्यूचर में देखने को मिले। दोस्तों देखो मैंने आईसी कर ली ओपन, तो आईसी ने दोस्तों दोस्त मिस्त्री से मेरे पास आया हुआ था, ये 4-5 बोर्ड आए हुए थे, मैंने 2-3 वीडियो अपलोड की हुई है उसमें बताया हुआ है। दोस्तों इसमें देखो आईसी को दिया था हीट, हीट देने से इसको ऊपर दिया था जोर, हीट देने के बाद इसको ऊपर से जैसे इसको जोर देंगे तो आईसी में जो दोस्तों रिबॉलिंग आपस में चिपक जाती है। दोस्तों आईसी जैसे ही आईसी लगी हुई है इसको देंगे अपन जैसे हीट, हीट देने में कोई मसला नहीं है, हीट नॉर्मल दे सकते हो, बाकी इसमें हीट देने के बाद ऊपर से जोर नहीं देना है, ये देन में रखना। अमूमन दोस्त क्या करते हैं आईसी रिसीवर चलता नहीं है फिर आईसी को देते हैं, काफ़ी मरतबा मेरे पास ऐसे रिसीवर आते हैं। दोस्तों अगर आईसी के ऊपर अपन हीट दे के जोर देंगे तो आईसी के ये हालत ऐसी हो जाती है, ठीक है। तो आईसी को मेहरबानी करके हीट देना है तो फिर भी हीट ना दो, हीट देना रिसीवर का बनाने का हल नहीं है दोस्तों, हीट देना नहीं है, हीट आखिरी स्टेज में दो जब भाई ये मुर्दा हालत में चला गया है, अभी आखिरी हल हीट है। तो कोशिश करो आप हीट के बगैर काम करो, हीट जो जैसे मुर्दा आता है ना भाई, अभी देखो ये मुर्दा है बिल्कुल, अभी इसमें आसरा ही नहीं है बनने का, उसको आखिर में जाके हीट दो, हीट दो सो नॉर्मल नॉर्मल दिया करो, इतनी हीट ना दिया करो। अमूमन रिसीवर के वोल्ट ओके कर लोगे तो रिसीवर ओके हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो आईसी अपन इसमें रिबॉलिंग करके दोबारा वापसी लगाएंगे तो इसको दोनों तरफ से रीसोल्डर कावी की मदद से कर लेंगे और इसमें जो एक्स्ट्रा सोल्डर है वो अपन हटा लेंगे। मैंने आपके सामने ये हटाई है, उसके बाद कर लिया पेट्रोल से वाश दोनों तरफ से, पिलर को भी और आईसी को भी। अभी अपन को एक टूल चाहिए होगा, टूल में आईसी लगा के अपन करेंगे रिबॉलिंग, ठीक है दोस्तों। ये ऑनलाइन मिल जाता है, इसी तरीके से आप मंगवा सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो ये आईसी मैंने लगा दी, उसके बाद इसमें ध्यान देना है दोस्तों, इसकी फ्रंट थारे इसके अपने इसके होल के सामने आने चाहिए, ऐसे नहीं आईसी अपने ऐसे काली लगा दी और आईसी के फ्रंट सामने ना आए, तो फिर आपकी आईसी मेहनत जो करोगे वो ज़ाया हो सकती है। तो इसमें थोड़ी मेहनत ज़्यादा है, 1-2-3 मरतबा आप किसी भी स्क्रैप बोर्ड से 2-3 मरतबा आईसी निकाल के लगाओगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, लगाना मुश्किल नहीं है दोस्तों, सिर्फ 2-3 आईसी आपने एक किसी भी स्क्रैप बोर्ड से निकाल के लगाओगे तो आपको तजुर्बा हो जाएगा। दोस्तों ये सबसे पहले ये आई सोल्डर पेस्ट मारेंगे, ये सोल्डर पेस्ट मोबाइल मार्केट से इजीली मिल जाती है, ये अमूमन मोबाइल वाले यूज़ करते हैं। ये मैंने आईसी लगा ली, अभी इसमें काफ़ी एक जो पेचकस की मदद से इसको कर लेंगे और सारे होल को इसको पुर। ये दोस्तों ये पेस्ट होती है, पेस्ट की जैसी सोल्डर होती है, तो इसको अच्छी तरीके से दोनों तरफ से पेचकस एक तरफ से घुमाना, फिर आईसी को घुमा के दूसरी तरफ से घुमाना, या 4-5 मतलब ऐसे पेचकस की मदद से घुमाओगे तो इसके चाले सारे होल जो है ना वो पुर हो जाएंगे, कोई भी होल इसमें रहेगा नहीं। तो एक मरतबा अपन देखो सीधी घुमाई, फिर आईसी को उल्टा करके 2-3 मरतबा ऐसे करोगे तो इसके सारे होल में सोल्डर पेस्ट चली जाएगी, उसके बाद जो एक्स्ट्रा जो सोल्डर बचेगी वो अपन ब्लेड की मदद से इसको उतार लेंगे ऊपर वाली, ठीक है। वो आराम आराम से उतारना है, इतना जोर नहीं देना है, ठीक है। ये मैं पेचकस की मदद से एक्स्ट्रा जो उतार रहा हूँ ये वापसी अपन डब्बी में लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि सोल्डर महंगी होती है दोस्तों, ये ऐसी छोटी सी डब्बी 700-800 रुपये की मिलेगी आपको, अभी तो हो सकता है डॉलर का रेट हाई हुआ है तो अभी तो मेरे ख्याल में कोई 1200-1300 ना हो जाए, पाकिस्तान का देख रहे हो रेट ऊपर जा रहा है अभी डॉलर का। तो इस अभी इसको कर लेंगे ब्लेड की मदद से साफ, ठीक है, ब्लेड की मदद से मैंने ये इसको कर लिया साफ, ठीक है। इसके में एक्स्ट्रा जो शोल्डर ऊपर से जो चिपकी होगी वो उतार लेंगे, क्योंकि अगर उतारेंगे नहीं जैसे अपन इसको हीट देंगे
फिर इसके जो होल हैं ना वो मोटे बन जाएंगे, एक जैसे प्रॉपर नहीं बनेंगे। फिर आईसी अपन को वापसी ऐसे टूल में से वापसी निकलेगी भी नहीं, ठीक है। अभी इसको कर देंगे नॉर्मल हीट, नॉर्मल हीट देनी है इसकी, ज़्यादा हीट नहीं होनी चाहिए दोस्तों। नॉर्मल ऐसी हीट दो जैसे भाई देखो आप फर्ज करो आप डोनर आईसी निकाल सकते हो, इतनी हीट दो, ठीक है। इतनी हीट नहीं देनी है इसके प्रंट ख़राब हो जाए। नॉर्मल हीट दोगे तो ये खुद ब खुद सारे इसके होल बन जाएंगे। तो ये होल दोस्तों एक जगह पे रुकना भी नहीं है, ठीक है। आरटीआर मशीन को ऐसे ऐसे हिलाना है ताकि इसमें जो एक जगह पे हीट देने से आईसी अपन की ख़राबी ना हो। तो अभी देखो इसके सारे प्रंट बन गए, रिवॉल्विंग हो गई, इसी तरीके से सारे देख लिए हो प्रॉपर भाई रेडी है। ओके ओके हो गया डन। तो इस तरीके से अपन 2 मिनट इसको छोड़ेंगे ठंडी हो जाए। ठंडी होने के बाद इसको कर लेंगे ओपन। ओपन करने के बाद उसे ऐसे इसको ऐसे वापसी खींचना नहीं है, इसको थोड़ा सा पेट्रोल मारना है या थिनर मारना है। तो मेरे पास पेट्रोल है, मैं पेट्रोल मार रहा हूँ। इसको बाद इसके हाथ की मदद से इसको नीचे रिवॉल्विंग करके आईसी को आराम आराम से हिलाना है। उसके बाद ब्लेड की मदद से एक तरफ से फिर दूसरी तरफ से इसको ऊपर करना है। ऊपर करने के बाद दोस्तों इसको इतना ज़्यादा खींचना नहीं है, ये खुद ब खुद निकल जाएगी, ठीक है। ऐसे खींचोगे तो कोई एक आधा प्रिंट फंसा होगा तो आईसी का प्रिंट वो आईसी से ही निकल जाएगा। तो आईसी मैंने कर लिया ओपन। ओपन करने के बाद इसको एक मरतबा पेट्रोल से वाश करेंगे ताकि इसमें देखो एक्स्ट्रा सोल्डर होती है वो निकल जाए। निकलने के बाद फिर अपन आईसी आप दोस्तों को दिखाता हूँ कैसी लगी, ठीक है दोस्तों। देखो आईसी प्रॉपर हो गई बिल्कुल ओके, जैसे न्यू आईसी होती है ऐसी हो गई। तो इसके सारे होल एक जैसे प्रॉपर रेडी होके ओके हो गए। तो अभी आईसी देख लो सारे प्रिंट ओके हो गए, ठीक है। इसी तरीके से रिवॉल्विंग कर ली। अभी इसके जो प्रिंट है उस पे पेस्ट मार लेंगे, ठीक है दोस्तों। ये शोल्डर पेस्ट, ये भी पेस्ट भी मार्केट मोबाइल मार्केट से इजीली मिल जाती है, ठीक है दोस्तों। इसमें अभी निशान का ध्यान देना है, ठीक है दोस्तों। प्रिंट पर भी निशान होता है और आईसी पर भी निशान होता है। इसमें देखो ये 3 पॉइंट है, इसमें 2 पॉइंट है। तो इसमें प्रिंट में भी यहाँ पे 3 पॉइंट है, उस तरफ 2 पॉइंट है। तो आईसी अपन देख के लगाएंगे। उसके बाद इसके जो दोस्तों चारों तरफ से किनारी बनी होती है, किनारी बती बनी होती है, उस किनारी में से फिक्स करके अपन रखेंगे आईसी को, ठीक है। अंदाजे मुताबिक रखेंगे भाई, अभी तो अपन को पता नहीं है प्रिंट नीचे है आईसी के भी नीचे हैं प्रिंट, अभी अपन कैसे लगाएंगे दोस्तों। इसमें चारों तरफ से निशान बना हुआ है तो निशान पे अपन रखेंगे आईसी को सीधा करके। उसके बाद थोड़ा सा इसको ऊपर ज़ोर दे देंगे अभी ठंडी में, ठीक है। और गर्म होने के बाद इसमें इतना ज़ोर नहीं देना है। उसके बाद अपन उसके ऊपर भी थोड़ा पेस्ट लगा लेंगे ताकि अपन की आईसी ख़राब ना हो हीट देने से। अभी देंगे अपन इसमें हीट, उसके बाद चिमटी में थोड़ा सा पेस्ट मार लेंगे ताकि इसमें पेस्ट ज़्यादा हो और आईसी ख़राब ना हो। उसके बाद अपन हीट देंगे, हीट भी नॉर्मल होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। आईसी निकले जाए, निकले और लगने में जैसे हीट होती यूज़ होती है ना, इतनी हीट देनी है। अमूमन ज़्यादा हीट देने से दोस्तों बोलते हैं यार जल्दी लग जाएगी, ऐसा नहीं है, इसमें ख़राब हो जाती है आईसी। तो अपन को आईसी लगाने और निकालने में इतनी हीट देते हैं इतनी हीट देनी चाहिए। और इसमें आईसी लगाने के टाइम अपन इसमें जो एयर है हवा का जो मकदार है वो कम कर लेंगे ताकि आईसी अपन की इधर उधर हिले नहीं, ठीक है दोस्तों। अमूमन अपन आईसी निकालते हैं और लगाते हैं उसमें एयर ज़्यादा होती है, तो अगर रैम आईसी लगा रहे हो तो उसमें एयर का ख्याल रखना है, ठीक है। एयर अगर ज़्यादा होगी तो इसमें कंपाउंडर जो साइड में लगे हैं वो भी उड़ सकते हैं और आईसी अपन की इधर उधर हिलेगी और एक जगह पर फिक्स नहीं होगी। तो इसको ऊपर से हीट देंगे, हीट देने के बाद थोड़ा सा उस कॉर्नर से किसी भी एक कोने से आईसी को हल्का हल्का हिलाएंगे, ठीक है। किसी भी एक कोने से, ठीक है, किसी भी एक कोने से हल्का हल्का हिलाएंगे ताकि अपन को अंदाज़ा लग जाए भाई अभी आईसी, जैसे अपन थोड़ा सा उसको दिखा देंगे एक तरफ से तो आईसी फिर वापसी आएगी। वापसी आएगी तो फिर आईसी अपनी लग जाएगी प्रॉपर रेडी। तो ये आईसी लग गई ओके। अभी इसको 2-3 मिनट छोड़ें जब तक ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद इसको पड़ेंगे पेट्रोल से वाश, ठीक है दोस्तों। पेट्रोल से वाश करने के बाद करेंगे इसको ऑन, ठीक है। ऐसे नहीं आपने गरम गरम आईसी पड़ी हुई है एसी चालू किया तो इसमें भी आईसी ख़राब हो सकती है और इसमें आईसी भी ख़राब हो सकती है, इसकी मदरबोर्ड भी मेन आईसी भी ख़राब हो सकती है क्योंकि हीट में
और ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो अभी पेट्रोल से इसको मैं जो इसमें पेस्ट एक्स्ट्रा लगी हुई थी वो कर लिया साफ़। ठीक है दोस्तों, ये मक्खी आई थी भी मैंने लगाई थी तो इसमें भी गंद लगा पड़ा, ये भी साफ़ कर लेंगे। ये बोर्ड हो गया बिल्कुल न्यू, बेहतरीन हो गया। तो दोस्तों इसमें जो दोस्त मिस्त्री थे मेरे पास आया था, इसको दी थी हीट, हीट देने के बाद इस आईसी को दी थी ऊपर से ज़ोर, ज़ोर देने से आईसी आपस में टच हो गई थी फ्रंट। तो अगर आईसी या कोई भी रिसीवर आपके पास आए, हीट देने से दोस्तों मसले का हल नहीं होता, हीट नहीं देनी है इस। ठीक है, अगर आप वोल्ट रिसीवर के ओके कर लोगे तो आपका रिसीवर इंशाल्लाह ओके हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया ओके, इसकी रैम आईसी पर अपर रेडी बैठ गई है, ओके लगेगा तो ओके हो गया। आप दोस्तों को इसकी डिस्प्ले भी चेक करा देता हूँ। दोस्तों इस तरीके से काम करोगे तो आपका कोई भी काम मुश्किल नहीं है, इसी तरीके से कोई भी रिसीवर बआसानी रिपेयर कर सकते हो। दोस्तों उम्मीद है तो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक भी कर देना, दोस्तों शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना, भाई को दुआओं में याद। इसके वोल्टेज भी मैंने आप दोस्तों को चेक करा दिया और अभी आपको डिस्प्ले भी चेक करा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो लाइक कर देना दोस्तों, लाइक तो करते नहीं हो, लाइक करने से हमारी हौसला अफजाई होती है, लाइक किया करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।